दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संजीत विश्वकर्मा ने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क तेज कर दिया है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संजीत विश्वकर्मा क्षेत्र के जनता की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और ये आश्वासन दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार अगर बनी तो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वे दूर कर दी जाएगी। संजीत विश्वकर्मा में जनसंपर्क के दौरान दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों एवं जल कल्याणकारी योजनाओं के बारे में मतदाताओं से चर्चा की तथा घर घर जाकर मतदाताओं से आम आदमी पार्टी को मतदान करने का आशीर्वाद मांगा। प्रत्याशी संजीत विश्वकर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ही गरीबों, गांव और किसानों की असली हितैषी है, जिसने इन सभी के कल्याण और उत्थान हेतु सैकड़ों योजनाएं बनाकर उनका लाभ सभी पात्र लाभार्थियों को दिलाया जाएगा। देखिए, जनहित, आम आदमी पार्टी हमेशा ही जनहित के ऊपर बात करती है। आम आदमी पार्टी हमेशा जनहित के मुद्दों पर ही बात करती है। जैसा कि आपको पता होगा कि आम आदमी पार्टी ने 9 गारंटियां छत्तीसगढ़ में जारी की है, जिसमें बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के रोजगार से लेकर साथ ही साथ बहुत ढेर सारी गारंटियाँ आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में जारी की है। इसके अलावा दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में जितने सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं और एक जनप्रतिनिधि जो वहाँ होना चाहिए था, जिसने जनप्रतिनिधि के रूप में विधायक के रूप में वहाँ पर काम नहीं किया, उसको बदलने का पूरा मन जनता ने मनाया हुआ है। इस बार ऐसा प्रत्याशी, ऐसा विधायक चाहती है जनता अपने क्षेत्र में कि जो जनता से सीधे कांटेक्ट में रहे, सीधे उनके बीच जाए और उनके काम को करवाए, ना कि वो विधानसभा जीतने के बाद अपने बेटों को भेजे कि आप हमारा काम करें और जनप्रतिनिधियों का जो और पार्षद हैं चाहे फिर और भी लोग हैं महापौर सारे लोगों का अपमान करें। उन्हें इस बात की काफ़ी खुशी है और काफ़ी सारे कांग्रेसी बड़े बड़े नेता मेरे कॉन्टैक्ट में लगातार बने हुए हैं, उनका भी समर्थन मिल रहा है मुझे। इस बार छत्तीसगढ़ की जनता ने भी मन मनाया हुआ और दुर्ग ग्रामीण की जनता ने तो पूरी तरह से मन मनाया हुआ कि काफ़ी मतों के अंतर से हम आम आदमी पार्टी का दुर्ग ग्रामीण विधानसभा का सीट जीत में दर्ज कर रहे हैं।